सोलर प्लांट कैसे लगाए जाते हैं, इसका यह पार्ट नंबर 5 है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जो MC4 कनेक्टर होते हैं उसको कैसे लगाया जाता है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो DC वायर्स हैं उसको कैसे डाला जाता है स्ट्रिंग के लिए, जो कि स्ट्रिंग की जो सप्लाई है वो स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स तक लेके जाए। तो जो वायर हमने डाले थे तो उसमें हमें MC4 कनेक्टर को भी लगाना पड़ता है। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि कौन से वायर्स में हमें कौन सा कनेक्टर लगाना चाहिए, पॉजिटिव वायर में कौन सा कनेक्टर लगाना चाहिए और नेगेटिव वायर में कौन सा कनेक्टर लगाना चाहिए, जिससे जो हमारी सप्लाई है पॉजिटिव सप्लाई पॉजिटिव वायर में आ जाए और नेगेटिव सप्लाई जो है वो नेगेटिव वायर में आ जाए। और जो हमारे MC4 कनेक्टर होते हैं उसके अंदर जो मेटेलिक लग होते हैं तो उनको भी कौन सा लग हमारा जो मेल फीमेल का लग होते हैं तो कौन सा लग हमें पॉजिटिव कनेक्टर में लगाना चाहिए और कौन सा लग हमें नेगेटिव कनेक्टर में लगाना चाहिए और इसको कैसे अच्छे तरीके से क्रेम करना चाहिए, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सब कुछ डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। क्योंकि हम आपको एक 2.5 मेगावाट का जो सोलर प्लांट है उसके बारे में डिटेल में बताने वाले हैं कि इस प्लांट को कैसे इंस्टॉल किया गया है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाले जो कनेक्टर हैं जो हमने वायर डाले थे स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स से वो हैं, और ये वाले दो कनेक्टर हैं वो हमारे स्ट्रिंग के जब कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टर बचते हैं वो हैं। तो देखिए, जो हमने वायर्स डाले थे SMB से उसमें हमने कनेक्टर को लगाया है, तो हम आपको यही बताने वाले हैं कि इन कनेक्टर को कैसे लगाया जाता है और कौन सा कनेक्टर कौन से वायर्स में हमें लगाना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर जो पॉजिटिव वायर है इसमें जो कनेक्टर लगाया गया है वो नेगेटिव कनेक्टर लगाया गया है, और जो नेगेटिव वायर है उसमें पॉजिटिव कनेक्टर लगाया गया है। तो इस प्रकार से इसको क्यों लगाया गया है हम आपको यही बताने वाले हैं, और हमेशा इसको ऐसे ही लगाना पड़ता है हमारे सोलर प्लांट में। तो देखिए, इसका ये मतलब ये वाला नेगेटिव कनेक्टर है जो पॉजिटिव वायर में लगाया गया है, और ये पॉजिटिव कनेक्टर है जो नेगेटिव वायर में लगाया गया है। तो इसका इसलिए है क्योंकि जो हमारे मॉड्यूल से जो सप्लाई आती है वो पॉजिटिव सप्लाई पॉजिटिव कनेक्टर में ही आती है, और नेगेटिव जो कनेक्टर है उसमें नेगेटिव ही सप्लाई आती है जो हमारी स्ट्रिंग से। तो इसीलिए जो पॉजिटिव वायर है तो हमें पॉजिटिव वायर में तो पॉजिटिव सप्लाई को ले जाना होगा स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स तक। तो इसमें क्या है, जब हमारा पॉजिटिव वायर हमारे मॉड्यूल में भी लगा हुआ है और अगर हम इसमें भी लगा देते तो ये आप उसमें कनेक्ट नहीं होते। इस प्रकार से अगर पॉजिटिव इसमें भी लगा होता तो ये कनेक्ट नहीं होते। तो इसीलिए हमें जो कनेक्टर यूज़ करना पड़ा इसमें नेगेटिव कनेक्टर यूज़ करना पड़ा, जिससे जो हमारे नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्टर हैं वो फिक्स हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने और जो नेगेटिव वायर है उसमें पॉजिटिव कनेक्टर यूज़ करना पड़ा है। तो देखिए, इसमें ये जो वहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव वायर ये भी हो गया, लेकिन कनेक्टर पॉजिटिव है, कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से ये फिक्स हो जाते हैं, तो जिससे हमारी जो पॉजिटिव सप्लाई है पॉजिटिव वायर में चली जाती है और नेगेटिव सप्लाई है वो नेगेटिव वायर में चली जाती है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये दोनों कनेक्ट होते हैं। तो ये कनेक्ट होने पर एक चटकी आवाज़ आती है तो ये कनेक्टर है वो फिक्स हो जाता है, फिर इसके बाद ये कभी नहीं निकलता है। तो देखिए, वहाँ से जो पॉजिटिव सप्लाई आ रही है और यहाँ से जो पॉजिटिव वायर में हमारी पॉजिटिव सप्लाई चली जाएगी और कनेक्टर नेगेटिव है, कोई बात नहीं है। तो देखिए, जब SMB बॉक्स के पास किस प्रकार से कनेक्टर लगे होते हैं, तो देखिए ये वाला जो कनेक्टर है वो नेगेटिव कनेक्टर लगा हुआ है स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स में। तो ये जो सभी 24 हमारे कनेक्टर लगे हुए हैं वो सभी में नेगेटिव कनेक्टर लगे हुए हैं पॉजिटिव साइड। यहाँ पर फेज सप्लाई आती है, पॉजिटिव साइड है ये SMB बॉक्स का, तो वहाँ पर SMB में नेगेटिव कनेक्टर का यूज़ किया गया है, और फिर जो वायर्स में पॉजिटिव कनेक्टर का यूज़ किया गया है। देखिए, इस प्रकार से पॉजिटिव कनेक्टर का यूज़ किया गया है, तो इसको क्या होता है, जो पूरे हमारे नेगेटिव लगे हुए हैं ऊपर की साइड तो ये पॉजिटिव हमारे उसमें कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर नेगेटिव साइड जो है वो हमारे पॉजिटिव कनेक्टर को SMB बॉक्स में लगाया गया है, और इसके बाद जो हमारे वायर्स आते हैं उसमें हम नेगेटिव कनेक्टर को यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, अलग अलग इसलिए लगाया गया है जिससे हमारे जो कनेक्टर हैं हम उतने हिसाब के लेते हैं, सभी को हमने 100 अगर इसके लिए तो 100 नेगेटिव भी लेते हैं, तो इसी कारण होता है जो कनेक्टर हैं वो हमारे बैलेंस रहें। तो यहाँ पर जो 24 कनेक्टर हैं वो हमने पॉजिटिव लगा दिए, 24 नेगेटिव लगा दिए, जिससे हमें 24 फिर जब वायर्स में लगाने 24 नेगेटिव लगाने पड़ेंगे, 24 हमें पॉजिटिव लगाने पड़ेंगे।
तो देखिए इस प्रकार से सभी जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी सप्लाई यहाँ तक आती है। तो इसके बारे में भी हम आपको ये कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, इसको कैसे लगाना पड़ता है, इसका आगे वीडियो आपको बना के देंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आए। तो हम आपको ये बता दें कि जो कनेक्टर हैं उसको क्रिम्प कैसे किया जाता है, लक कैसे किया जाता है, जिससे ये बहुत मजबूत हो जाता है, कभी निकलता नहीं है, तो वही हम आपको बताने वाले हैं। इसके लिए हमने क्रिम्पिंग टूल लिया और वायर के टुकड़े लिए हैं और दो कनेक्टर लिए हैं और कनेक्टर में लगने वाले ये लग लिए हैं। और लग लेने ये वाला जो पॉजिटिव कनेक्टर है उसमें ये मोटा वाला जो लग है वो लगता है, और ये नेगेटिव कनेक्टर है उसमें ये पतला वाला कनेक्ट लग है वो लगता है। और हमने वायर्स को छीलने के लिए प्लास का यूज़ किया है, प्लायर का यूज़ किया है, और ये जो वायर है वो प्लायर से अच्छे से नहीं छिलते हैं, इसके लिए कटर का यूज़ होता है, उससे ये आसानी से छिल जाते हैं। तो देखिए हमने इसको अभी प्लास हमारे पास है तो हम उसी से इसको निकाल लेंगे वायर को। तो देखिए हमने वायर्स को इतना छील लिया है जितना कि हमारा जो लग है उसके जो बाहर के साइड है इतना पोर्शन है जो उसमें फिक्स हो जाए। देखिए यहाँ पर इतना फिक्स करना होगा, तो हमने इतने वायर्स को कर लिया है फिक्स। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद क्रम्पिंग टूल लेंगे और क्रम्पिंग टूल में जो 6 square mm वाला क्रम्प है उसमें क्रम्प करना है, क्योंकि जो वायर्स है हमारा वो 6 square mm है। तो देखिए यहाँ पर 6 square mm का जो कनेक्टर है जो लग है वहाँ पर हमें इसको लग करना है। तो देखिए इस प्रकार से हमें इसको लग को क्रम्पिंग टूल में फंसाना होगा। देखिए इस प्रकार से हमने रख लिया है और इसके बाद हम इसको क्रम्पिंग टूल को प्रेस करेंगे। तो जब हम इसको प्रेस करेंगे तो जब तक हमारा कनेक्टर जो लग है वो पूरी तरह से क्रम्प नहीं होगा तब तक जो हमारा क्रम्पिंग टूल है वो अपने आप को रिलीज़ नहीं करेगा। तो हमें ज़ोर से दबाना पड़ता है, जब क्रम्प हो जाएगा तो ये अपने आप रिलीज़ कर देता है। तो इस प्रकार से हमारा ये कनेक्टर कंप्लीट हो गया है, लग लग के कंप्लीट हो गया है। अब पॉजिटिव वायर में हमें पॉजिटिव कनेक्टर लगाना है, तो इसको भी हमें उसी प्रकार से छील लेना होगा जिससे जो हमारा कनेक्टर है उसके अंदर जो वायर्स है वो अच्छे से चला जाए। तो देखिए इस प्रकार से इसको भी छील लेंगे और उसके बाद हम जो पॉजिटिव कनेक्टर में जो लग लगने वाला है उसको यहाँ पर इसके वायर्स के अंदर, वायर को इसके अंदर डाल लेंगे और इसके बाद इसको भी क्रम्प करेंगे। तो सेम इसी को भी क्रम्प करना है, जो 6 square mm वाला जो क्रम्पिंग टूल का नोप है वहाँ पर इसको हमें फिक्स कर लेना होगा। इस प्रकार से फिक्स कर लिया जाता है और वायर को हमें अंदर की साइड प्रेस करके रखना पड़ता है जिससे जो वायर्स है वो हमारा निकले नहीं। तो इस प्रकार से वायर को प्रेस करते रहें और उसके बाद धीरे धीरे जो क्रम्पिंग टूल है इसको ज़ोर से प्रेस कर दें जिससे हमारा जो लग है कम्प्लीट हो जाए, अच्छे से फिक्स हो जाए। तो देखिए ये लग है वो फिक्स हो गया है। इसके बाद हम जो पॉजिटिव कनेक्टर में जो मोटा वाला लग है वो लगना था, तो हमने पॉजिटिव कनेक्टर को लिया और इसके अंदर जो इस प्रकार से होल होता है तो इसके अंदर हमें इसको फिक्स कर देना होगा। जब हम इसको भी फिक्स करते हैं तो इसमें भी एक आवाज़ आती है, किट की आवाज़ आती है, तो समझ लीजिए जो लग है वो हमारा उसके अंदर फिक्स हो गया। देखिए अंदर तक आ गया है। इसके बाद ये जो स्क्रूप टाइप का है इसको अच्छे से टाइट कर देना होगा और टाइट करने के बाद देखिए हम कितना भी इसको खींच के देख लें तो ये बिल्कुल भी निकलेगा नहीं, ये बहुत मजबूत हो जाता है, कभी आसानी से निकलता नहीं है, बहुत ही मुश्किल से निकलता है। तो इसी प्रकार से हमें अब नेगेटिव कनेक्टर में ये पतला वाला लग है वो फिक्स करना होगा। तो इसको भी इस प्रकार से फिक्स करेंगे, थोड़ा प्रेस करेंगे तो उसमें ये जो है वो फिक्स हो जाता है, फिर उसमें भी आवाज़ आती है किट की। और इसके बाद जो स्क्रू है उसको भी हमें अच्छे से कस देना होगा, कवर है जो उसका। और इसके बाद देखिए हम कितना भी ज़ोर से खींच लें ये निकलता नहीं है अपने आप, तो इसको खींचने पर भी नहीं निकल रहा है, ये इसलिए इसको लग किया जाता है जिससे जो बहुत मजबूत हो जाए। और ये पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टर हैं वो इस प्रकार से फिक्स होते हैं, देखिए इसमें जो है वो इस प्रकार के पिन होते हैं और ये जब उसमें कनेक्टर में फिक्स हो जाते हैं इस वाले में तो ये जो है वो निकलते नहीं है आसानी से। जब हमें इसको निकालना होता है कनेक्टर को तो उसको हमें इस प्रकार से इसको प्रेस करना होता है, जो हमारी दो नोब हैं उसको जब प्रेस करेंगे तभी ये निकलेगा। तो देखिए इस प्रकार से प्रेस करना होगा और प्रेस करने के बाद ही ये निकलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जो सोलर मॉड्यूल हैं उनको कैसे लगाया जाता है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारा कोई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस और सोलर प्लांट के मेंटेनेंस रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं जो